ये पहला इश्क है तुम्हारा, सोच लो। हेलो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से हम एक इमेज से वीडियो बना के और उसको इंस्टाग्राम पे लोड कर सकते हैं और अपनी रीच और अपने फॉलोअर्स बढ़ा सकते हैं। आइए देखते हैं। ये हमारे पास इन शॉर्ट एक ऐप है, इसको हम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, इसलिए वो पूरी तरह से सेफ है। ठीक है, तो ये हम आ गए हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे और ये हमारी इन शॉर्ट ऐप है, इसको ओपन करा लेंगे। ये वीडियो का ऑप्शन है, हम लोग को वीडियो बनानी है, इमेज से वीडियो बनानी है, तो वीडियो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और ये कुछ ड्राफ्ट्स पहले से मेरे पड़े हुए हैं और मैं न्यू कर लेता हूँ। ये न्यू पे मैं गया और चलते हैं कि हमको फ़ोटो कहाँ से इमेजेस लेनी है, किस इमेज पे हम बनाएंगे। हमने कुछ डाउनलोड कर रखी हैं, ये इस तरह का हमारे पास एक इमेज है, इसको हम इंसर्ट करा लिए हैं। अब नॉर्मल सी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि किस तरह से हमारे पास सिर्फ एक इमेज है, इसको हम थोड़ा सा इसका टाइमिंग बढ़ा लेते हैं। अभी ये 5, 7, 8 सेकेंड 23, जितना चाहें उतना हम बढ़ा सकते हैं इसका फ्रेम। और हमको करना है, बाइक चलते हैं, ये हमारी इतनी सी इमेज थी, इसको हम थोड़ा सा 12 सेकेंड तक बढ़ा लिए हैं। ठीक है, अब जल्दी से चलते हैं म्यूज़िक पे चल के हम अपना ट्रैक यहाँ पर इंसर्ट करा लेते हैं। और इसके कुछ ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट्स इसमें सॉन्ग्स हैं या म्यूज़िक है और हमको एक्सट्रैक्ट करानी है। हम एक इस तरह से एक इंसर्ट कराएंगे, एक शायरी की वीडियो बनाएंगे, एक ये है, सुन के देखते हैं किस तरह की है। ये पहला इश्क है तुम्हारा, सोच लो। तीसरा लगाया है, वाह, ये पहला इश्क है तुम्हारा, सोच लो। तो ये हमारी इमेज है और हमने साउंड म्यूज़िक करा लिया है इंसर्ट और उसको एक्सट्रैक्ट करा के यहाँ डाल दिया है। ये हमारी म्यूज़िक है, फिर से इसमें कुछ चेंजेस करने हो, कुछ कट करना हो तो यहाँ से ये हो जाएगा। एडिट में जाके आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, इफेक्ट डाल सकते हैं। इफेक्ट में जाएंगे तो ये कुछ वेपन्स या इस तरह की बेल्स और इंस्ट्रूमेंटल, ये कुछ साउंड्स हैं, ऑलरेडी साउंड्स हैं। ठीक है, वेदर का एक साउंड ले लेते हैं हम, हैवी रेन का। क्या हम इंसर्ट करा लिए हैं एक थंडर का साउंड। ठीक है, अब चलते हैं ओके टिक करके और अब चलेंगे हम टेक्स्ट पे जाके और लिखेंगे वो क्या कह रहा है। कह रहा है ये पहला इश्क है तुम्हारा। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं यहाँ से करके और इस पर थोड़ा सा हम डालेंगे इफेक्ट। एडिट में जाएंगे, एडिट में जाके ये कलर पे गए और ये हम इसका बॉक्स बना लेते हैं इस तरह से, ताकि ये अच्छे से दिखाई पड़े। ये हो गया, चलिए ये रख लेते हैं। ठीक है, अब इसमें एनिमेशन थोड़ा सा डालेंगे, ये हम एनिमेशन डालेंगे इस तरह का, ये एनिमेट होगा। ओके, अब इसका कलर भी हम चेंज करा सकते हैं, यहाँ से जाके फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, ये ब्लैक वाइट ही रखते हैं तो। और इसको देखते हैं कितना वो कह, ये पहला इश्क है तुम्हारा, सोच। अब ये यहाँ तक इसका सेंटेंस पूरा हो जा रहा है, इसको कट कर लेंगे, यहाँ जाएंगे और ये स्प्लिट कर लेंगे, स्प्लिट मतलब हाफ ऑफ, और इसको कर देंगे डिलीट। ये हो गया, अब देखते हैं ये पहला इश्क है तुम्हारा, इसको थोड़ा सा और स्प्लिट करेंगे और आगे का थोड़ा सा हिस्सा है इसको कर देंगे हम डिलीट। अब यहाँ से दूसरा टेक्स्ट ऐड कराएंगे, प्लस टेक्स्ट पे जाएंगे, सोच लो लिया है इंसर्ट, और इसके एडिट में फिर से जाएंगे और यहाँ पे फिर से देखेंगे कि इसमें कौन सा इफेक्ट डालेंगे, वही सेम इफेक्ट डाल लेते हैं और एनिमेशन भी सेम कर लेते हैं। ये हो गया हमारे पास एनिमेशन। ओके, ये हो गया एनिमेशन, अब देखते हैं किस तरह का बन रहा है। ये पहला इश्क है तुम्हारा, सोच लो। क्या तीसरा लगाया है, ये पहला इश्क है। यहाँ से उसने दोबारा कहना शुरू किया है, ये पहला इश्क है तुम्हारा। तो पहले तो हम टैगलाइन बढ़ा लेते हैं, ओके करते हैं और ये इमेज पे जाते हैं, इमेज की टैगलाइन टाइमलाइन और बढ़ा लेते हैं। अब हम चलेंगे टेक्स्ट पे गए और वो दोबारा कहना शुरू करते हैं।
कॉपी करेंगे और इसको उठा के रख देंगे आगे, इसको स्लाइड करके अपनी फिंगर से, पॉइंट फिंगर से इसको उठा के और स्लाइड करके आगे। ये हो गया, सोच लो को भी कॉपी करेंगे और उठा के हम रख देंगे इसको और टेक्स्ट ऐड कराएंगे और इसमें लिखेंगे मेरे लिए ये रास्ता नया नहीं है। ठीक है, अब ये हमारा हो गया टेक्स्ट, इसको कर लेते हैं थोड़ा सा छोटा ताकि हमारे फ्रेम में आ जाए, और ये हमारा आ गया टेक्स्ट। ठीक है, ये हो गया, इसमें एनिमेट करा लेते हैं उसी तरह से एडिट में जाके, और ये कलर में गए और ये हो गया हमारा एडिट, ये हो गया एनिमेशन वाले टिक पे गए, इस पे गए और टिक कर लिया। ओके, अब ये हमारा टेक्स्ट का काम हो गया कंप्लीट, टिक के निशान पे क्लिक करेंगे और इसको देखेंगे कैसा बनकर तैयार हुआ है हमारा। पहला इश्क है तुम्हारा, सोच लो। क्या मिसरा लगाया है वाह, ये पहला इश्क है तुम्हारा, सोच लो मेरे लिए ये रास्ता नया नहीं। थोड़ी सी सेटिंग्स की और करनी होगी, टेक्स्ट में चलेंगे और इसको देखेंगे सोच लो को हम थोड़ा सा कट कर लेंगे यहाँ से और इसको स्प्लिट कराएंगे, ये गए और इसको हम कर लेंगे डिलीट, और मेरे लिए रास्ता नया नहीं है इसको थोड़ा सा बढ़ा के और स्लाइड कर लेंगे। और ओके कर लेंगे, अब जाएंगे सेव पे गए और ये हम अपना रिजोल्यूशन सेट कर लेंगे, ये ठीक है बिल्कुल, इसको हम सेव करा लेंगे और इस तरह से ये हमारा इनिशिएशन हो गया, एक कनेक्टिंग वीडियो हो रहा है और इस तरह से हमारी वीडियो सेव हो जाएगी, इसको हम अपलोड कर देंगे इससे बिना आपको किसी एक्ट के, केवल एक इमेज से बस चीज़ें उठानी है आपको, मिक्स करना है और यहाँ पर कुछ वक्त लगाना है और अपलोड कर देना है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शब खैर। ये पहला इश्क है तुम्हारा, सोच लो। क्या तीसरा लगाया है वाह, ये पहला इश्क है तुम्हारा, सोच लो मेरे लिए ये रास्ता नया नहीं।